सब्सक्राइब कीजिए हिमू हेल्थ टिप्स चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि यह चैनल आप ही का है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। दोस्तों, एमनीजिया इन हिंदी भूलने की बीमारी, जिसे चिकित्सा भाषा में एमनेसिया एमनीजिया कहा जाता है, एक प्रकार का रोग है जिसमें व्यक्ति को स्मृति हानि होती है और उसे चीजें याद रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुरानी चीजों और बातों को भी याद नहीं रख पाते हैं। हल्की स्मृति हानि मतलब थोड़ी बहुत भूलने की बीमारी आम है जो उम्र के साथ चलती है, परंतु अगर किसी व्यक्ति को कम उम्र में भी चीजें याद रखने में समस्या का सामना करना पड़े तो यह भूलने की बीमारी हो सकती है, जो एमनेसिया कहलाती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूलने की बीमारी क्या होती है, इसके लक्षण और कारण क्या है और एमनेसिया की बीमारी की जांच इल ज और इसका उपचार कैसे संभव है। नंबर एक, भूलने की बीमारी क्या होती है। नंबर दो, भूलने की बीमारी के प्रकार इंटरोग्रेड एमनेसिया, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेसिया, ट्रॉमेटिक एमनेसिया, चाइल्डहुड एमनेसिया, पोस्ट हिप्नोटिक एमनेसिया, सोर्स एमनेसिया, प्रोसोपामनेसिया। नंबर तीन, भूलने की बीमारी के लक्षण। नंबर चार, भूलने की बीमारी के कारण, भूलने की बीमारी के मेडिकल कारण, भूलने की बीमारी के मनोवैज्ञानिक कारण। नंबर पाँच, भूलने की बीमारी के जोखिम और जटिलताएं। नंबर छः, भूलने की बीमारी की जांच। नंबर सात, भूलने की बीमारी का इलाज। नंबर आठ, भूलने की बीमारी से बचाव। इन सब के बारे में आज जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले, भूलने की बीमारी क्या होती है। भूलने की बीमारी एमनीजिया की समस्या अक्सर मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति होने से या बीमारी के कारण होती है, जिसमें यादें या बातें याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। कई व्यक्तियों को विभिन्न अवसादों और कृत्रिम नींद की दवाओं के उपयोग से भी अस्थायी रूप से भूलने की बीमारी हो सकती है। इस भूलने की बीमारी में स्मृति पूरी तरह से या आंशिक रूप से मेमोरी खोने की परेशानी होती है। भूलने की बीमारी के प्रकार इंटरोग्रेड एमनेसिया, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेसिया, ट्रॉमेटिक एमनेसिया, चाइल्डहुड एमनेसिया, पोस्ट हिप्नोटिक एमनेसिया, सोर्स एमनेसिया, प्रोसोपामनेसिया। भूलने की बीमारी के भी कई प्रकार होते हैं, वो अलग अलग तरह के रोगियों में देखने को मिलते हैं। इस भूलने की बीमारी के प्रकारों में शामिल है इंटरोग्रेड एमनेसिया। इस प्रकार की भूलने की बीमारी में व्यक्ति नई जानकारी को याद नहीं रख पाता है। हाल ही में हुई चीजें और जानकारी जिन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी में संग्रहित किया जाना चाहिए, वह गायब हो जाती हैं। यह रोग आमतौर पर मस्तिष्क आघात, ब्रेन ट्रॉमा की वजह से उत्पन्न होता है, जब सिर पर कोई जोरदार झटका लगता है जिसकी वजह से मस्तिष्क में क्षति पहुंचती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को चोट लगने से पहले हुई घटनाएं और डाटा याद रही होंगी। रेट्रोग्रेड एमनेसिया, रेट्रोग्रेड भूलने के बीमारी कुछ मायनों में इंट्रोग्रेड भूलने की बीमारी के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इस प्रकार की भूलने की बीमारी में व्यक्ति आघात से पहले होने वाली घटनाओं को याद नहीं रख पाता है, लेकिन उन्हें आघात के बाद क्या हुआ इसका याद रहता है। कुछ दुर्लभ मामलों में ही दोनों प्रकार की भूलने की बीमारी एक साथ देखी जाती है। ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेसिया, इस प्रकार की भूलने की बीमारी में टेम्परेरी मेमोरी लॉस की शिकायत होती है और कुछ मामलों में यादों को फिर से याद करने में कठिनाई हो सकती है। इस तरह की भूलने की बीमारी बहुत ही दुर्लभ है। यह ज्यादातर बड़े वयस्कों में होती है जिन्हें रक्त वाहिकाओं से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी होती है।
ट्रॉमेटिक एमनेसिया। ट्रॉमेटिक भूलने की बीमारी की समस्या तब उत्पन्न होती है जब आपके सिर पर किसी प्रकार का कोई जोरदार झटका लगे या चोट लगे, जैसा किसी कार एक्सीडेंट में होता है। इस तरह की स्थिति में व्यक्ति की मेमोरी जा सकती है या वो खुद कोमा में जा सकता है। एमनेसिया आमतौर पर टेम्परेरी होता है, पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितनी गंभीर चोट आई है। ऐसे समय में भूलने की बीमारी की इस तरह की चोट का सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह हो सकता है। चाइल्डहुड एमनेसिया। इस प्रकार की भूलने की बीमारी को शिशु रोग एमनेसिया कहा जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति को बचपन से होने वाली घटनाएं तक याद नहीं रहती है। यह समस्या अक्सर भाषा के विकास या मस्तिष्क के कुछ स्मृति क्षेत्रों के कारण बचपन में पूरी तरह से परिपक्व नहीं होने की वजह से होती है। पोस्ट हिप्नोटिक एमनेसिया। पोस्ट हिप्नोटिक भूलने की बीमारी में व्यक्ति सम्मोहन के दौरान भी घटनाओं को याद नहीं कर पाता है। सोर्स एमनेसिया। सोर्स एमनेसिया में व्यक्ति कुछ सूचनाओं को तो याद रख सकता है, लेकिन यह भूल जाता है कि उन्हें यह जानकारी कैसे या कहां से मिली है। प्रोसोपामनेसिया। इस प्रकार की भूलने की बीमारी में व्यक्ति किसी के चेहरे को याद नहीं रख पाता है। इस तरह का रोग किसी व्यक्ति को बाद में होता है या उस व्यक्ति का पैदा होने के साथ ही यह बीमारी होती है। भूलने की बीमारी के लक्षण। भूलने की बीमारी के कुछ सामान्य से लक्षण देखने को मिलते हैं, जिनसे भूलने की बीमारी के प्रकार का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिनमें शामिल है। यदि किसी व्यक्ति को एनोरोग्रेड भूलने की बीमारी है, तो उसे नई जानकारी सीखने की क्षमता में परेशानी हो सकती है। जब किसी व्यक्ति को रेट्रोग्रेड भूलने की बीमारी होती है, तो उसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं, वह यह है कि उस व्यक्ति को पिछली घटनाओं और पहले से परिचित जानकारी को याद रखने की क्षमता में परेशानी होती है। अनियंत्रित मूवमेंट और झटके आने का मतलब किसी तरह की न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का संकेत हो सकता है। भ्रम या भटकाव की स्थिति पैदा हो सकती है। कुछ व्यक्तियों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, पार्शियल मेमोरी लॉस या टोटल मेमोरी लॉस की समस्याएं हो सकती हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति चेहरे या स्थानों को पहचानने में असमर्थ हो सकता है। भूलने की बीमारी के कारण। भूलने की बीमारी के मेडिकल कारण। भूलने की बीमारी के मनोवैज्ञानिक कारण। मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली कोई भी बीमारी या चोट मेमोरी लॉस का कारण बन सकता है। मेमोरी फंक्शन मस्तिष्क के कई अलग अलग हिस्सों का एक साथ इकट्ठा करता है। मस्तिष्क संरचनाओं, ब्रेन स्ट्रक्चर्स बनाने वाली लिम्बिक सिस्टम जैसे हिप्पोकैम्पस और थैलेमस को नुकसान पहुंचने से भूलने की बीमारी हो सकती है, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम हमारी भावनाओं और यादों को नियंत्रित करता है। भूलने के बीमारी के दो तरह के कारण होते हैं, एक मेडिकल एमनेसिया और दूसरा मनोवैज्ञानिक एमनेसिया। भूलने की बीमारी के मेडिकल कारण। मस्तिष्क में किसी तरह की चोट या क्षति की वजह से होने वाली भूलने की बीमारी। इसके मुख्य कारण होते हैं आघात, किसी तरह के बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण या एक ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया के कारण। इंसेफ्लाइटिस या मस्तिष्क की सूजन के कारण। सीलिएक रोग की वजह से भी भूलने की बीमारी, भ्रम और व्यक्तित्व परिवर्तन हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी होने से, जिसके वजह से दिल का दौरा, श्वसन संकट या कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता जैसी परेशानी हो सकती है। कुछ दवाएं लेने से, जैसे नींद की दवा, सबराक्नॉइड रक्तस्राव, जिसकी वजह से खोपड़ी और मस्तिष्क के बीच के क्षेत्र में रक्तस्राव होता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से, जिसके कारण मेमोरी में शामिल मस्तिष्क का एक हिस्सा प्रभावित होता है, इलेक्ट्रोकॉन्वल्सी थेरेपी ECT
या इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी एक तरह का मनोरोग उपचार जिसमें दौरे के चिकित्सीय प्रभाव के कारण अस्थायी मेमोरी लॉस हो सकता है। किसी प्रकार की सिर की चोटें जो मेमोरी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो आमतौर पर अस्थायी होती हैं। भूलने की बीमारी के मनोवैज्ञानिक कारण। इस तरह की भूलने की बीमारी को विघटनकारी भूलने की बीमारी, डिसोशिएटिव एमनीजिया के रूप में भी जाना जाता है। यह समस्या एक तरह के भावनात्मक सदमे के कारण होती है, जैसे किसी तरह का हिंसक अपराध, कोई यौन या अन्य दुर्व्यवहार, कोई सैन्य मुकाबला, एक तरह की प्राकृतिक आपदा, कोई आतंकवादी कार्य, ऐसी कोई भी असहनीय जीवन की स्थिति जो गंभीर मनोवैज्ञानिक तनाव का कारण बन सकती है और आंतरिक संघर्ष की वजह से भूलने की बीमारी में परिवर्तित हो सकती है। भूलने की बीमारी के जोखिम और जटिलताएं। भूलने की बीमारी के कुछ संभावित जोखिम और जटिलताएं भी हो सकती है, यदि आपने इसको पहले कभी अनुभव किया हो तो, जिसमें शामिल है मस्तिष्क की सर्जरी, सिर पर चोट या कोई आघात, शराब का सेवन करना, बरामदगी। भूलने की बीमारी की जांच। भूलने की बीमारी की जांच किसी डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा की जा सकती है। भूलने की बीमारी की जांच करने के लिए डॉक्टर मेमोरी लॉस के अन्य संभावित कारणों जैसे अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया के अन्य रूपों, अवसाद या किसी प्रकार के ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए एक व्यापक मूल्यांकन करते हैं। शुरुआती जांच में डॉक्टर आपसे मेमोरी लॉस के साथ साथ आपके अन्य लक्षणों के बारे में प्रश्न पूछकर जांच शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर अपने मूल्यांकन में मदद के लिए परिवार के किसी सदस्य या देखभाल करने वाले से भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप उनके सवालों के जवाब याद न कर पाएं। मेमोरी लॉस को समझने के लिए डॉक्टर कई प्रश्न पूछ सकते हैं। जिन सवालों पर ध्यान दिया जा सकता है, उनमें शामिल हैं मेमोरी लॉस का प्रकार, अभी का या दीर्घकालिक, भूलने की बीमारी की समस्याएं कब शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ी, मेमोरी लॉस को ट्रिगर करने वाले कारक जैसे कि सिर में चोट, स्ट्रोक या सर्जरी, भूलने की बीमारी का पारिवारिक इतिहास, विशेष रूप से कोई न्यूरोलॉजिकल रोग, नींद की दवा और शराब का उपयोग, अन्य लक्षण जैसे भ्रम, भाषा की समस्याएं, व्यक्तित्व में बदलाव या स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ होना, दौरे पड़ना, सिरदर्द, अवसाद या कैंसर का इतिहास होना। भूलने की बीमारी की जांच के लिए शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षा में सजगता, संवेदी कार्य, संतुलन और मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के अन्य शारीरिक पहलुओं की जांच के लिए एक न्यूरोलॉजिकल परीक्षा की जा सकती है। भूलने की बीमारी की जांच के लिए संज्ञानात्मक परीक्षण। इस तरह के परीक्षण में डॉक्टर व्यक्ति की सोच, निर्णय और हाल ही में और दीर्घकालिक स्मृति का परीक्षण करते हैं। वह व्यक्ति के ज्ञान की जांच सामान्य जानकारी के द्वारा करेंगे, जैसे कि वर्तमान राष्ट्रपति का नाम, साथ ही व्यक्तिगत जानकारी और पिछली घटनाएं। डॉक्टर पीड़ित व्यक्ति को शब्दों की एक सूची दोहराने के लिए भी कह सकते हैं। स्मृति मूल्यांकन मेमोरी लॉस की सीमा निर्धारित करने में मदद कर सकता है और व्यक्ति को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। भूलने की बीमारी की जांच के लिए नैदानिक। इस परीक्षण में डॉक्टर आपकी जांच के लिए विभिन्न तरीके अपना सकता है, जैसे मस्तिष्क की क्षति या असामान्यता की जांच करने के लिए इमेजिंग परीक्षण करवा सकता है, जिसमें एमआरआई और सीटी स्कैन शामिल हैं। संक्रमण, पोषण संबंधी कमियों या अन्य मुद्दों की जांच के लिए रक्त परीक्षण करवाया जा सकता है। जबकि गतिविधि की उपस्थिति की जांच करने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम का उपयोग किया जा सकता है। भूलने की बीमारी का इलाज।
भूलने की बीमारी का इलाज करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा सकता है। वैसे तो कई प्रकार की भूलने की बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है, परंतु कुछ अंतर्निहित अंडरलाइन कंडीशन और रोगों की वजह से इसके इलाज में परेशानी भी हो सकती है। कुछ सामान्य इलाज की प्रक्रिया में शामिल है। भूलने की बीमारी का इलाज व्यावसायिक चिकित्सा द्वारा। कोई भी व्यक्ति भूलने की बीमारी का इलाज करने के लिए व्यावसायिक चिकित्सक की मदद ले सकता है। इस तरह के इलाज में डॉक्टर व्यक्ति द्वारा भूल गई यादों और नाइजा नकारियों को वापस लाने में मदद करता है। मेमोरी प्रशिक्षण का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसमें जानकारी के आयोजन के लिए अलग अलग रणनीतियां शामिल होती हैं, ताकि याद रखने में आसानी हो और विस्तारित बातचीत की समझ में सुधार हो सके। भूलने की बीमारी का इलाज तकनीकी सहायता से। भूलने की बीमारी से पीड़ित कई लोगों को स्मार्ट तकनीक का उपयोग करने से इसका इलाज करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि स्मार्टफोन या हाथ से पकड़े जाने वाले टैबलेट डिवाइस की सहायता से यह इलाज किया जा सकता है। कुछ प्रशिक्षण और अभ्यास के साथ, यहाँ तक गंभीर भूलने की बीमारी वाले लोग भी इन इलेक्ट्रॉनिक आयोजकों का उपयोग दिन प्रतिदिन के कार्यों में मदद करने के लिए कर सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन को पीड़ित व्यक्ति को महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में याद दिलाने या दवाएं लेने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। कम तकनीक वाले मेमोरी डिवाइस में नोटबुक, वॉल कैलेंडर, पिल माइंडर्स और लोगों और स्थानों की तस्वीरें शामिल हो सकती हैं। भूलने की बीमारी का इलाज के लिए दवाइयाँ और सप्लीमेंट। अभी तक तो अधिकांश प्रकार के भूलने की बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप भूलने की बीमार को ठीक करने में थोड़ी मदद कर सकते हैं, जिसमें भरपूर पोषक तत्व लेना और शराब आदि का सेवन ना करना शामिल है। भूलने की बीमारी से बचाव। भूलने की बीमारी का उपचार और बचाव कुछ संभावित तरीकों से किया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचना ही भूलने की बीमारी का मूल कारण है। इसलिए मस्तिष्क को चोट से बचाने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, जिनमें शामिल है शराब का अधिक सेवन करने से बचें, गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहने और ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट लगाएं। मस्तिष्क में हुए किसी भी संक्रमण का इलाज जल्दी से करें, ताकि उसे मस्तिष्क में फैलने का मौका न मिल सके। और यदि आपको गंभीर सिरदर्द या एक तरफ सुन्न जैसा एहसास हो या पैरालिसिस के लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत इसका उपचार करवाएं, नहीं तो इससे भी भूलने की बीमारी की संभावना बढ़ सकती है। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि चैनल के वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाते रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे।